तो हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो मैं वापस आ गया आप लोग को और मैं लेके आया एक और नया स्काई ब्लॉग। तो यहाँ पे कुछ मज़ा दिख रहा था तो आप लोग को मैं दिखाने के लिए ले आया। तो इस सर्वर का नाम है कॉस्मोस एमसी सर्वर है। तो यहाँ पे टॉप 7 में या टॉप 8 में ही आता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें और देखते क्या क्या इसमें मज़ेदार इसमें है। इसमें पहले तो क्यूज है, आपका रैंक है, रैंक यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे लीडर बोर्ड मतलब तो कौन टॉप में ही लोग है, सर्वर रूल यहाँ का सर्वर क्या है और ये सर्वर सेटिंग और सर्वर का क्या क्या सेटिंग है ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ इस क्रिएट तो इसको बाद में हम लोग करेंगे। तो चलते और देखते और क्या क्या है इधर। सर्वर शॉप है, यहाँ पे प्लेयर वॉक है, यहाँ पे लूट साइट मिलता है और स्किल है और सर्वाइवर वर्क है। और यहाँ पे क्या जनरेटर, कैसे जनरेटर बनाना है तो पता है, ये तो सब कोई को पता ही रहता है कैसे बनाया जाता है जनरेटर। तो यहाँ पे और ये क्या है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो यहाँ पे आइलैंड का अलग कॉइन भी यहाँ पे मिलता है शायद। तो इस ये टॉप में ये है लोग। और यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है। और इस चेस्ट में क्या है, ठीक है, ये क्या है, लॉ लाइक है, डायमंड यहाँ पे पड़े हुए हैं। लैप और लैप इसका ब्लॉक लगता है, जिसको जो ज़रूरत नहीं होता तो यहाँ पे शायद डाल सकता है, तो कोई और भी शायद ले सकता है जिसको ज़रूरत ना हो। और इधर है तो और ये सब हो गया आप लोग का। और इधर आपका है स्लेयर गिल्ड, यानी कि स्लेयर करने का ये रहता है, मिशन मिलता है इसमें शायद। और ये होता है और यहाँ पे आप लोग स्पॉन हो गया और कुछ नहीं। और तो चलते आइलैंड को क्रिएट करके देखते। और हम लोग को कुछ आर्मर भी मिला था, तो ये देख सकते फेदर फॉलिंग 4 क्या है, बूट पेंट में फेदर फॉलिंग 4 क्या चल रहा है। ये देखिए चेस्ट प्लेट में भी फेदर फॉलिंग 4, हेलमेट में भी फेदर फॉलिंग 4, मतलब इतना ऊपर से भी गिरे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे और देखते और क्या क्या है हम लोग के पास इधर। और सेल है और क्या क्या, ऑटो होई, ऑटोमेटिक कलेक्टिंग क्या होता है उसका तो पता नहीं, तो चेक करना होगा। और एक हम लोग को स्पॉनर भी मिला है, साथ में वेव मिला है और हम लोग को ये बोन भी कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे एक बकेट टाइप कुछ है और बुक है और ग्लो स्टोन क्या है, ग्लो स्टेटस कुछ है, ये स्टेटस का कुछ काम करता है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हम लोग को 3 आइलैंड मिला है, एक है नॉर्मल और एक है मैसूर आइलैंड और एक है डेजर्ट आइलैंड। तो हम लोग चलते हैं नॉर्मल आइलैंड में, क्योंकि ये सब में तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, नॉर्मल में खेलने में मज़ा आता है। तो ये हम लोग का बिल्ड हो गया वर्ल्ड, तो ये आगे हम लोग अपना वर्ल्ड में। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड दे दिया पहले ही, कोई बात नहीं चलेगा हम लोग का जैसा ही वर्ल्ड है। तो पहले हम लोग को इस जगह को थोड़ा ठीक करना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे है और पेड़ सब भी बहुत सारा है, तो सबको काट लेते हैं पहले। और कुछ चेस्ट भी दिया है, लावा और आइस दिया है, तो इसको हम लोग बाद में बना लेंगे। तो चलते हैं हम लोग पास थोड़ा इधर आपको कर लेते क्लियर और फिर देखते और क्या हम लोग करते आइलैंड में। तो चलते हैं शुरू करते हैं क्लियर करने का काम हम लोग। तो यहाँ से क्लियर करते हैं जल्दी से और मिलते हैं आप लोग के बाद में।
तो यहाँ पे हम लोग का पूरा आइलैंड क्लियर हो गया, तो चलते हैं हम लोग अपना पहले बना लेते हैं, और हम लोग सारा सामान को रख लेते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सामान को, ना कुछ हो जाएगा हम लोग को तो पता नहीं इस आइलैंड में गिरने पे सामान रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आइटम को रख लेते हैं चेस्ट में और देखते हैं। और इस चीज़ को हम लोग बाद में निपटा देंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा हम लोग का, तो बाद में इसको ऑफलाइन में हम निपटा लेंगे। तो चलते हैं अब यहाँ पे हम लोग अपना एक बना लेते हैं गर्ल स्टोन फार्म, अर्निंग मनी हो स्लैश क्यूज्ड, ठीक है ये बाद में हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग बना लेते अपना गर्ल स्टोन जनरेटर और देखते हैं ये गर्ल स्टोन जनरेटर है क्या, और जनरेट भी करता है साथ में, और साथ में तो ये रहा हम लोग का एक बकेट लावा, और पहले लावा डाल लेते हम लोग, तो यहाँ जाएगा लावा और इधर जाएगा वाटर, तो यहाँ गया लावा और वाटर, आइस आइस आइस, एक आइस दे देते हैं, एक आइस यहाँ, इसको तोड़ते हैं तो वाटर यहाँ पे तोड़ते हैं, तो यहाँ हम लोग का अचानक से स्टोन, तो हम लोग का बन गया है स्टोन जनरेटर। तो चलते हैं माइन स्टार्ट करते, थोड़ा थोड़ा सा गर्ल स्टोन कलेक्ट कर लेते हम लोग, जैसे कुछ स्टोन का आइटम बना सके, वेपन सब बना सके। तो चलते देखते हैं हम लोग को एक और स्किल आया था, तो स्किल का कमांड डाल के देखते हैं हम लोग क्या क्या आएगा उसमें। स्किल और ये रहा हम लोग का शॉप, शॉप में हम लोग का कुछ ये सब है, स्पॉनर है जो है 1000 का है, 1000 में कितना था देखने से कोई बात नहीं, तो चलते हैं और देखते हैं हम लोग और क्या क्या है। वेलकम टू क्रेजी कलर योर न्यू आइलैंड, क्योंकि हम लोग ने पुराना आइलैंड भी बनाया था जिससे न्यू आइलैंड दिखा रहा है। और यहाँ पर हम लोग का फार्म है और थोड़ा शुगर कैन है और वाटर भी ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग को, तो देखते हैं। और हम लोग के पास एक कैंडल, इसका यूज़ क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हैं इसका यूज़ क्या है बाद में हम लोग। तो चलते थोड़ा और स्टोन कलेक्ट कर लेते, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या क्या करते हैं। और आप लोग को ये भी दिखा दे इस तरह में वोट कैसे करते हैं, ये भी बता देंगे आप लोग को। और यहाँ पे एक उड डाल देते हैं, जैसे हम लोग को तोड़ने के टाइम आगे टूट ना जाए कुछ, उसके लिए उड डाल देते, तो साथ में टॉर्च भी डाल देते। इस आइलैंड में मॉब स्पॉन होगा कि नहीं वो हमको गारंटी तो नहीं पता, मॉब स्पॉन नहीं होगा क्योंकि हम लोग को स्पॉनर दिया गया, तो इस हिसाब से तो मॉब स्पॉन नहीं हो सकता। मॉब स्पॉन होगा तो हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है स्पॉनर खरीदने का, क्योंकि स्पॉन तो हो गया हम लोग का, तो इसलिए हम लोग को मॉब स्पॉन नहीं खरीद, मतलब मॉब स्पॉन नहीं होगा आप लोग आइलैंड में, इसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना। अंधेरा हो जाएगा इसलिए हम लोग पहले टॉर्च लगा दे रहे जिससे अंधेरा ना हो। तो चलते चलते से हम लोग तोड़ते अब, तो एक स्किल कमांड आया था, तो चलते स्किल कमांड में देख रहे थे क्या है हम लोग का, ये क्या है जनरेट वन ड्रॉप, क्या वन ड्रॉप 1% ड्रॉप है क्या चीज का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं देख लेंगे इसको क्या है ये वन ड्रॉप क्या होता है इसको समझ में आया, यानी कि 1% शायद ड्रॉप होने का चांस होगा, यही शायद बताने का ये मतलब है इसका।
तो उस हिसाब से यही देखिए, तो शायद यही ड्रॉप होता है इसमें, गोल्ड हो गया, आयरन निकलेगा और डायमंड शायद इसमें निकल सकता साथ में, तो ऐसे ही में शायद हम लोग को सब कुछ मिलेगा। तो एफ के जा करना होगा हम लोग को, तो एक वुडन पिकेक्स, स्टोन का पिकेक्स बनाना था जिससे हम लोग गोल्ड तो नहीं टूट पाएगा, लेकिन तोड़ने का कोशिश करेगा, इसमें डाला होगा कुछ तो टूट सकता हो, तो तोड़ते देखते हैं। एक पहले ग्राफ्टिंग टेबल बनाना होगा हम लोग को, ग्राफ्टिंग टेबल को पुट कर लेते हैं इधर। तो एक पिकेक्स बना लेते हैं साथ में, स्टिक और एक पिकेक्स, तो पिकेक्स बन गया, तो चलते हैं तोड़ते हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिला, कोई बात नहीं चलेगा। तोड़ो तोड़ो, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। यहाँ पर अभी हम लोग को मैक्सिमम, अभी साइज़ में हम लोग का आइलैंड का 50 है, तो अभी हम लोग बढ़ा भी सकते हैं आइलैंड का साइज़, और साथ में आइलैंड का लेवल भी साथ बढ़ता है, तो वो भी बढ़ाएंगे। और याद आया हम लोग के पास डायमंड भी हम लोग को मिला था, तो साथ में उसका हम लोग क्यों ना पिकैक्स से बना ले, और कुछ और आएगा तो साथ में उसी से तोड़ेंगे। तो चलते एक पिकैक्स बना लेते हम लोग। तो ये हम लोग को पिकैक्स मिल गया एक डायमंड का, तो इसी से अब तोड़ते हम लोग। ये सारे पिक्स में अलग अलग एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग 5 इसमें लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी अनब्रेकिंग 5 के जैसा ही है। तो हम लोग एक लैपिस भी मिल गया है, तो यहाँ पे हम लोग माइंड तो करते रहेंगे। तो चलते आप लोग को दिखाते हैं वोट कैसे करते हैं, हम लोग वोट करते हैं जैसे हम लोग को क्या क्या मिलेगा वोट में, तो देखते जाके। और पहले देख लेते कमांड में, हाँ अपना आईडी देख लेते क्या लिखा हुआ, स्लैश डैश क्रेजी। तो चलते जाके करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्वर में अलग अलग जैसा नाम रहता है ना, तो पहले हम लोग को चेक करना होगा क्या नाम से आईडी है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कॉस्मो कॉसो मोसो एमसी का, तो वहाँ से जाके आप लोग को डायरेक्ट वोट कर लीजिए चाहे तो। तो यहाँ पे अपना आईडी लिख देना है, जैसे मेरा है डैश क्रेजी डैश केलर 534 डाल के, और वेरीफाई में क्लिक करके, और साथ में आई एम एग्री टू माइंड माइंडक्राफ्ट पॉकेट एडिशन कर देना है, और कन्फर्म हो जाएगा। तो वापस आप लोग 13 घंटा के बाद यहाँ पे कर सकते हैं, अभी दिखा रहा है फर्स्ट टाइम जो करते हैं वो लोग एक और बार कर सकते हैं 13 घंटा बाद वोट वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या, तो हम लोग यहाँ पे 2000 कॉइन मिला, और साथ में 3 कॉइन सर्वर का मिला है। और वोट में देखते हैं और क्या क्या कुछ क्लेम करने का ऑप्शन आता है इसमें क्या, इसमें साथ में एक शॉप भी दिया है हम लोग को, तो इस शॉप में क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारा एन्चेंटेड बुक मिलता है, तो यहाँ पे कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, 5 वोट मतलब 5 वोट होगा तब हम लोग को ये मिलेगा। 50 वोट पे ब्लेज स्पॉनर मिलेगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको खरीदने का, लेकिन 50 बार यानी 50 दिन हम लोग को खेलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को 50 पॉइंट मिलेगा उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग को एक पॉइंट मिला है, 10 पॉइंट मिला है, हम लोग को 3 कॉइन मिला है, तो उस हिसाब से हम लोग को लग जाएगा कुछ 1 मंथ 2 मंथ लग सकता है कंप्लीट करने में। तो चलते आप एक की को खोलते हैं हम लोग, तो स्लैश क्रिएट्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देगा, चाहे तो आप लोग को स्लैश लॉबी करके भी आप जा सकते हैं, और लॉबी से डायरेक्ट वहाँ पे था आप लोग का करने का, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं स्लैश क्रिएट
क्रेडिट्स लिख के इंटर कर देना तो आप लोग को टेलीपोर्ट कर देगा 2 सेकंड में। डू नॉट मूव, आप लोग को हिलना नहीं है। तो टेलीपोर्ट आप लोग को यहाँ पे कर दिया, तो हमें यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया। तो हम लोग को खोजना होगा कहाँ पर है, तो किधर है किधर है। भोट बाबू भोट बाबू, ये है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये है, हाँ भोट क्रिएट्स। तो यहाँ पे हम लोग को देना है क्लिक। क्या हुआ, एक क्यों दिया भाई, मेरा आइटम दो भाई, मुझे कुछ दिया नहीं। ये बुक तो पहले से ही था हम लोग के पास। पता नहीं क्या मिला हम लोग को, तो चलते हैं देखते हैं क्या मिला था, कुछ तो नहीं दिख रहा हम लोग को। तो चलते हैं हम लोग वापस अपना आइलैंड में। तो शायद हम लोग को ये डायमंड मिला है क्या, कंफर्म तो नहीं है, शायद डायमंड में हम लोग को मिला, क्योंकि हम लोग के पास तो 3 था कि पिकैक्स उसका बना लिए थे। तो यहीं से हम लोग आइलैंड जा सकते हैं। तो इस पे से कौन सा हम लोग का आइलैंड टेलीपोर्ट करेगा, ये तो बायोम आइलैंड बैंक, ये बैंक है हम लोग का, ये बैंक है आइलैंड बैंक, आइलैंड टेलीपोर्ट। तो इससे हम लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो चलते आइलैंड में, तो आगे हम लोग वापस आइलैंड में, और हम लोग साथ मोई मोई हुआ है क्या नहीं पता नहीं कंफर्म, क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि शायद हो सकता है आया है यही डायमंड हम लोग शायद मिला, क्योंकि कंफर्म तो लग रहा है डायमंड ही मिला है हम लोग को, यही डायमंड मिला है हम लोग को शायद, ये कंफर्म हो गया। तो चलते चेस्ट में इसको रख देते हैं, क्योंकि यही है हम लोग का रिवॉर्ड, एक डायमंड। क्या डेंजर रिवॉर्ड दिया है साथ में हम लोग को। तो चलते हम लोग को एक ब्लेज भी मिला था, तो ब्लेज स्पॉनर मिला था, तो इसको भी हम लोग लगा लेते हैं ब्लेज का, याद करें मॉब स्पॉनर प्लस कॉइन वहाँ पर। तो इस तरफ इसको हटा के और हम लोग बना देंगे एक फार्म इसका। तो अभी हम लोग यहीं पे कहीं पे इसको रख देते हैं, कहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ पे पिक स्पॉन होना स्टार्ट हो गया, 2 पिक स्पॉन हो रहा है। तो चलते हैं मारते, हम लोग को शॉट तो नहीं दिया, ऐसे से मार देता। मर 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 मरो, एक चल गया, एक और गया। स्लैश एक्शन हाउस स्पेंडिंग मनी, तो ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे, स्पेंड ये सब कर सकते हैं, मतलब एक्शन हाउस में स्लैश AH लिख के। तो अभी तो ये इतना ही रह जाते हैं, बाद में इसको हम लोग करेंगे बड़ा करेगा आइलैंड का। और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, अगर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक से देखते रहिए। और साथ में आप लोग को नया नया सर्वर का बताते रहूँगा, जैसे जैसे नया नया सर्वर आते रहेगा, ओपी मिलते रहेगा, वैसे वैसे आप लोग को दिखाते रहूँगा सर्वर लोग को। और साथ में कोशिश करूँगा मिनियन ज़्यादा खोजने का। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक से देखते रहिए हम लोग चैनल।